नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो मैं तो ठीक छो, उम्मीद कर दो आप लोग भी ठीक ठाक वेला, राजी खुशी वेला। तो दगड़ियों, आजकल मेला और पूजन पाजन हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में जो हमारे लोक संस्कृति है तो बहुत ज़्यादा होनी। तो एक मतलब यात्रा, एक जात यात्रा और जो मेला हों कौथिक, तो सब लगभग सभी जगह होना। तो एक जगह में पहुँच गया आज, तो आज मैं कौथिक में जाना छो। तो वह नाम से देवा देवी या देवा डांड बोल दिन कौन, यो क्षेत्र पोड़ जाते, ब्लॉक पोड़ जाते, पोखड़ा पट्टी पोड़ जाते, किमगढ़ी गाड़ और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो मैं भी खड़ू हूँ छो, ठीक आप तो पिछले गांव दिखाने वाले, तो गांव छो झलपड़ी। तो झलपड़ी बटे देवा देवी का ट्रैक हो जाना शुरू और धीरे धीरे आप थे हर चीज़ जानकारी देने रोल। तो अभी यात्रा बटे डोली यात्रा चनी, तो चलो आप तो दिखाऊँ छो। तो इन यात्रा पोड़ जाती हूँ माँ देवा देवी स्टेडियम झलपड़ी। तो झलपड़ी गाँव हो, तो वे की यू स्टेडियम छे एक। तो इना तरफ भी आज माँ देवा देवी की डोली देख सकता आप। तो मंदिर यात्रा माँ देवा देवी के सब भक्तगण आया छिन और कुछ लोग एक नचना भी छिन। ये को देखा मैं इले छो कि कुछ जनला अपने संस्कृति और ये क्षेत्र की पहचान और देवा देवी तो जनला कुछ कनबान मैं ये को देखा मैं। और खूबसूरत सी यू ग्राउंड यानी स्टेडियम माँ देवा देवी झलपड़ी गाँव का। तो चलो अब डोली यात्रा दगड़ दगड़ चुपड़ा गांव बटे आयु छो मैं, यानी जो माँ देवा देवी का जो मैच है वो जो चुपड़ा गाँव, तो चुपड़ा गाँव बटे और यक तक पोड़ जाए 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर पैदल डोली यात्रा कैरी कन अब हम पहुंच गए झलपड़ी स्टेडियम में। और यहाँ बड़े जो ट्रैक जानो चे वो ठीक आप थे मत थी रोड दिखाने वेल, तो वी रास्ता जो ट्रैक तो चना रोला डोली से अग्नि अग्नि भी जोला और डोली दगड़ दगड़ भी माँ का सवाल देखा जाना रोला। तो चलो आप धीरे धीरे निकलते चो। बोल नमस्कार। 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 क्या नाम है आप? नाम अब पता नहीं, क्या नाम से नाम पता नहीं। अच्छा, इन यात्रा भी दीदी और जी नमस्कार। नमस्कार। की नाम है दीदी आपको? भारती देवी। भारती देवी। अब बोल सर माने के लिए नाम बताओ। बोला दी ब्यूटी बना रहा छी। बोला नाम, नाम बोलो। मैं ना धनमती देवी। अच्छा, धनमती देवी। तो मते आठ छे मंदिर हम? ना ना मंदिर ओ मते मुनि जयो नाम से देवी। अच्छा, कतो उम्र होया तुम्हार? दम ये उम्र 60 87 90 70 90 पर चाहते मले नहीं जाए ना मते। चलो बढ़िया, तो यहाँ मैं दर्शन करना कहाँ है? नमस्कार। नमस्कार। आपका गाँव नाम क्या है? मेरा गाँव नाम पालीधार है। पालीधार। पालीधार। अच्छा, तो आना चो मत ये मंदिर हम? ना मत नहीं। किले? बस छुट्टी बच्ची से कारम। अच्छा, मतलब गोर बच रहा वाला तो भी चक्कर ना ना बच्ची भी जो छुट्टी। गाँव का चो अपन? मेरा गाँव झलपड़ी। झलपड़ी। चलो नजदीक की चो आप? नजदीक का हम तो डोली दिख रखना है शाम। अच्छा, रात ही तब बोला घर परिवार हम कोई नहीं सॉरी सब लौड़ा बाद मत जय हसी तब या वैसे हम तब जब गरम तुम तब तो मिसो है। हां मैं मिसो गरम। चलो बढ़िया, तो अब डोली चलन बढ़िया प्रस्थान। जय मां देवा देवी।
तुमड़ी झलपड़ी ग्राउंड बेटे अब इन यात्रा पर ट्रैक हुई है शुरू और इन तरफ यात्रा शुरू हुई है और इन तरफ अब हुई है चढ़े ट्रैक। तो चलो आप धीरे धीरे चना रोला। तो ट्रैक हमारे काफ़ी लंबा एक बड़े हम ठीक हुए टॉप डांड मर जान तो जख हमारे देवी माता बसी च तो वह की जान तो अभी ट्रैक चना रोला और दिख दस हो कि कनकन होंगे कनकन लोग मिल दिन। तो चलो चलते जाओ। तो भक्तों कतार लगी देवा डांड जाना होना फार देख सकता रास्ता पूरू रास्ता थोड़ा सी कठिन से जो ट्रैक च हूँ वो यखा लोगों से पता कर दो 10 से 12 किलोमीटर ट्रैक च और रास्ता कुछ यहाँ अब चल चल दो शाम और जो देवा देवी डांड च वो जो ठीक टॉप मा ओ वे डांडम और धीरे धीरे लग छो रास्ता। तो ट्रैक तो काफ़ी खूबसूरत लगन छ लेकिन पूरा आप देख सकता जंगलों बीच में और देवी बसी सबसे ऐंच हाइट डांड में। तो अभी पहुँच गया हम रसोली डांग में तो यख हम टेंट वगैरह लगे छे सब बैठे छे भक्तगण। तो इन तरफ ढोल सागर वाला छे और जो आगे हम जी देख हम पौड़ा लगे मंडाण इन तरफ हमारा धामी जो माता धामी छिन वो लोग छिन हम पूरा जंगल लगे रास्ता च। तो एक हम दीदी लोग हर भुली एक हम बैठी चे और पूरा ट्रैक रात की उनमें आप तो बताई चे दगड़म और लोग भी जुड़ा छे ना। तो सब लोग रोटी पानी दिया खाना छीन भेजो और ये दिया तुम तो तेना ये मंदिर आने का पूरा भरपूर आनंद लिया आप भी कभी अला। तो यह नहीं आप लोग रात में कखी में बैठे गए विश्राम करेगा खा सकते हो हाँ खाओ खाओ मजा नहीं आहा रसायण है। तो थोड़े से चढ़े और चढ़ने के बाद ये हम आपसे देखे जाए जलेबी 200 रुपये किलो और आपसे पहाड़ी स्टाइल में हम चाय वगैरह मिल जाए नेगी जी ढाबा चियो और पराठा वगैरह समोसा और मैगी भी आपसे मिल जाए एकदम हाइट में और मज़ा आ जाए आपसे हम घना जंगलों के बीच हम ट्रैक करते करते अब पहुँच गए सब दीदी बरूदागढ़ और इन तरफ सब देवी का दर्शन करने जाना चाहिए इन तरफ भी छिन कुछ लोग अब डाया में बैठे छे ना। तो कैमरा साहब नहीं है जा साहब नहीं आन। अच्छा नाम क्यों आप होगा कांति भंडारी। अच्छा और कहाँ बैठे छो सिरकोट बैठे सिरकोट बैठे हाँ सुसरास हो हाँ और मैं तो धेड़गो धेड़गो हाँ तो कान लगन तो चढ़े बुगत बुगत बहुत बड़े हाँ चुगड़ बुझे गया चुगड़ बुझे गया बड़े चुगड़ बुझे गया नहीं तो शहर माहौल शहर ये माहौल में किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो पहले जवाने टाइम पर आए रहो लेकिन पहले बनाना छो ना ना दी तो आई छो दी से दौड़ छो। अच्छा हां दीवा पर तो लोग धीरे धीरे आना छे ना भगवती में अध्या को ये टॉर्च बाल बाल गन के लेके का पूरा ट्रैक अंदर हूं मतलब रात में हूं। तो नमस्कार जी की नाम है बाबा जी रवि रवि इना इतर बक्सो आप हां ता आंधे रहने वाले हां आंधे में तो होगी 5-6 बार आई ना। चलो बढ़िया बढ़िया तो मैं तो पहली बार आनो छो। अच्छा तुम लोगों ने पता है ना जरा मंदिर के बारे में बहुत बढ़िया। तो चलो मजा आनी ना मजा आनी बहुत ज्यादा। एक दीदी ना अत्र नमस्कार नमस्कार तो का छो आप मिस्सी लोगो मैं तो मैं सुंगरखा। अच्छा तो रहने का छो आप लोग मैं दिल्ली द्वारका द्वारका बटे तो कहाँ लगनो द्वारका बटे आप सेक्टर 18 में आइयो तुम ये लगनो तो बढ़िया था पर तो रही था मेरे जिगुण बुझे गया था आप तो थोड़ा पुराना वाल बैठी का अब ये गुटाक पान पे आई ये बुरा तरह चुंगम दे चुंगम अगर इधर चपे चपे इधर पहाड़ों की चम। अच्छा तो एक बात मैं तो पूछना चाहती हूँ अगर रात की ट्रैक के लिए कर दो हम लोग रात जो सफर था ना मरु खालू यो आराम से कटे। अच्छा मतलब रात में सफर कटे जाए राजा सफर कटे जाए और सूर्य उदय होना हट देखा हट जान पड़े सूर्य 5 बजे। तो सबसे पहले तो आपका नाम और गांव। मेरा नाम है बन्नी और मैं सिलेत का रहने वाला हूँ। अच्छा आपका नाम भाई जी। मेरा नाम अशोक ढोंडियाल और मैं सिलेत का रहने वाला हूँ। सिलेत। चलो बढ़िया सिलेत का नाम यार बहुत सुना सिलेत बहुत वो है ना थोड़ा आगे रहता है आगे नहीं हर चीज में एक्टिव है यंग यूथ आगे आता है और खासकर जहाँ पे बैरू स्टेडियम है वहाँ पे टूर्नामेंट होता था काफी दूर दूर की टीम आती थी। नाम नाम शांति देवी शांति देवी गाँव गाँव दांता दांता और ससुराल मतलब मैं तो ससुराल दांता और मैं तो कैसे मैं तो देखुंडाई देखुंडाई के ना तरपुर दियो इपोखरा
टुकड़ा जने का लगड़ो तब अच्छा लगड़ो ता हैंड जी मजा हां राजे ट्रैक तुम कई बार करवाल हां आंदा से जा आंदा छ जो हां चलो बढ़िया तो प्राकृतिक सुंदर नज़ारा देखो चांद एक बड़े कितना खूबसूरत दिखेणु और नज़ारा एक हम कुछ अलग छ। तो ये दूसरा पड़ाव आ जाने हम तो एक हम दीदी लोग जुड़ गए ना तो दी नमस्कार नमस्कार बुला नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका नाम जान जोल में मेरा नाम है उषा देवी। उषा देवी गांव का चापक श्रीकोट है श्रीकोट ये कहां तरफ पड़ता ग्राम श्रीकोट पोखड़ा तरफ पोखड़ा ब्लॉक है। अच्छा पोखड़ा ब्लॉक है और मैं तो कहां चापक में मैं तो दमदुना छोड़ा गगिंदार तो दमदियो लग छो है हां चलो बढ़िया। हर बार आंदो आप लोग आंदो छो बुला आ बार दो तीसरी बार है। अच्छा तो ये जो जात यात्रा चलती है वो रात ही चलती है हां रात ही चलती तो कद का मजा आंदा आप लोगों को मैं तो पहली बार बढ़िया लगा बुला बहुत बढ़िया आनंद मंगल बढ़िया बहुत बढ़िया भंडारा होना पूजा होनी सब जगह नमस्कार नमस्कार बेटा नमस्कार बाल गोपाल आप ठीक छे ने सब बढ़िया बढ़िया आप बताओ मैं तो सिरकोटा छो घर तो मैं आरी एक देहरादून भी चाहिए एक मैं दिल्ली भी चाहिए बाजार यात्रा कया अच्छा हां बोला तो कहां लगनी यात्रा बहुत अच्छा बहुत अच्छा पर तीन दफे है अपना मैं देखा ओहो मैं तो पहलवान हूं तो पापा हां बहुत बढ़िया बात बोला वो माता रानी की कृपा से पहुंच गयो आप बढ़िया बात हो। तो इन तरफ देख सकदा आप कि अब विश्रामक भी स्थिति पैदा हुई है थोड़ी सी चढ़े चढ़े गन और बेजोर भी सिया जिंदा को कुछ लोगों ने आग जगह आग तपना छिन तो कुछ हमारा उत्तराखंड नजारा छ वो अल्टीमेट छ और ये नजारा आप थे शहरों में मिल सको देख सकदा कई प्रकार से लोग पढ़िया छन कुछ नन्ना मुन्ना यात्री यखम भी छिन देखो जो माता रानी चरणों में छिन तो जरा बात ही केलू ले दगड़ देखो प्राकृतिक नजारा ही नहीं छिन माता रानी के चरणों में देखो कखी भी घास में लेट जाओ आप कखी भी जन लोग बाग रहना छिन देखो पूरा लगभग 2000 यात्री अभी तक पहुँच गिन। तो दी नमस्कार नमस्कार कहा छो आप जलपड़ी जलपड़ी कख बटाना छो कख बड़े जलपड़ी बड़े अच्छा जलपड़ी बेटे जयपुर बेटे कौन होता मम्मी तो आना जयपुर बेटे बोल लगे जयपुर रंदो हां जयपुर रंदा अच्छा तो मैच जलपड़ी की क्या छ सौरास अच्छा और मैच का छ सुंदरखाल हैं सुंदरखाल सुंदरखाल बढ़िया बढ़िया तो कान लगणो तब ये तपड़ हम यो खूबसूरत से तपड़ छ ये हम पूर्णा के मले यात्रा करना बाद जब पूर्णा जो कान आनंद आनो बढ़िया ना आनंद आनो बेजी आज जयपुर में आनो इन आनंद ना ना का बड़े वक्त गरम गरम भारी गरम अच्छा जयपुर की जगह रंदो प्राकृतिक नजारा और प्राकृतिक खूबसूरती सब लोग आनंद उठाना छे माँ दीवा देवी के चरणों में। तो दर्शन करने से पहले अब इन तरफ बन गया आलू गुटका और रोटी ठीक छ इन तरफ कटो सलाद ये देखो इन तरह में घर्रे मैगी है घर्रे वाल चाहिए देसी मैगी नहीं अरे रोटी अरे सब आलू गुट का ज्यादा है यहाँ दीदी और देखो फर्स्ट क्लास इन तरफ ये देखो आलू गुट अच्छा आलू लो की जीवाल क्या अच्छा आलू गुट का जिन चलो बढ़िया और माता रानी कृपा इंच की देखो सब लोग ये डांड में दूर दूर बटे सब अलग अलग क्षेत्र बटे आए छे और इन अल्टीमेट लोकेशन चाहे अभी तुम्हें दिखाने से खुद के लिए रात एक सीन थोड़ा सी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आनंद आना चाहिए अपने भाई बहनों दगड़ तो अपन दिया खाल कि जब हम दीदी लोग खाना खाना चाहे और लोग बाग और रेस्ट करना चाहे आराम करना चाहे तो वक्त में भी मिन भी डेरा टाल छा और वक्त में मिन भी रेस्ट कर यानी थोड़ी सी आग लग गए छा और भी गया मतलब पूरी रात भर पैदल चल चल लगभग 12-1 बजे एक दो बजे लगभग हम पहुँच गए वे स्थान जख मैंने आते दिखाई छे कि हम खाना वाना खाए तो वह बेटे मेरे आँख लग गए छाई और सुबह खुलते ही लगभग 5 बज गए और दृश्य बहुत ही अलौकिक और जो माँ बसी छे दीवा देवी ये बहुत ही हाइस्ट में और बहुत ही टॉप में बसी छे और लोकेशन में आपते दिखाने पड़े कि कन दिखेणु
तो आज नए दिन शुरुआत रही है लेकिन ब्लॉग चन हुई तो हम बैठे सुबह तक अद्भुत नज़ारा देखो एकदम टॉप मच मतलब ये से ऊंची चोटी कोई नीचे देखो और जो ट्रैक च वो मैं आपसे दिखा कि हम कहीं रास्ता हो ये देखो यख बटे आना अड़ताल भ्याल देखो आप सीधा भ्याल च यख बटे एक चूक हुआ भ्याल तो ट्रैक जानो यू लगभग लगभग मंदिर के समय पर पहुँच गयो काफ़ी मेहनत और मशक्कत करने बाद माता रानी के नाम जपत जपत पहुँच गयो तो अब ट्रैक च इना और प्राकृतिक खूबसूरती देखो कि सीढ़ी कुदरती बनी छी देखो ये देखो रास्ता जानो खून और पूरा घना घोर जुमड़िया थे जंगल दिखने वाले वे जंगल बीच बटे हम ट्रैक करते करते देखो लोग बाग भी आना छीन और हम भी पहुँच गयो माता रानी के चरणों में और देख ले आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि माता रानी के डांडम बसी और किले मतलब लोग एकांतवास में आन पसंद कर दें और ट्रैक कर पसंद कर दें तो चलो रास्ता जानो इना चलता छो फिर है ऐच तो दगड़ा मंदिर से कुछ दूरी पहले हम थे जूता वगैरह उतरण जरूरी होंगी तो वो उतारे लोगों तो अत्यधिक ठंड होने के कारण सभी लोग आग वाग तपना सी दगड़ा में पहुंच गया माता रानी के दरबार में और भीड़ नहीं था बहुत ज़्यादा चे काफ़ी ज़्यादा रास्ता चल चंद अंदरों में जो बाटू चे वे मैं लोगों यात्रियों पता नहीं चले कि भीड़ कितना चे लेकिन भीड़ में अब आपसे दिखा दे कि श्रद्धालु छिन वो कतना आया छिन बहुत ज़्यादा तादाद में माता रानी के दरबार में इतना हाइट में और हर चुनौतियों से हर परिस्थितियों से लड़ते लड़ते सभी श्रद्धालु गण पहुँच गए ना तो दर्शनगण बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी और इन तरफ शायद बड़ी इच्छा है हमारे महिला शक्ति मातृशक्ति भीड़ बहुत ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा और इंदा मतलब यह कि नंबर रखण इंतज़ार करना पड़ा कम से कम 2-3 घंटा तो सभी लोग देखो जितना भी भक्तगण छिन सब लगे छिन इंतज़ार में सूर्यदेव जी के और सूर्यदेव जी दर्शन देना छिन तो थोड़ा सी लेट करना छिन भगवान जी भी अद्भुत अलौकिक नज़ारा आप देख सकते हो ये सूर्योदय नज़ारा चाहिए तो तमाम लोग आप जितना भी देखना वाला सब अपना अपना मोबाइल में वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो फिलहाल अभी देवा देवी मंदिर प्रांगण में तो लगी भीड़ तो यह हम एक मंदिर छोटे से भैरवनाथ जी को और तो जानो एक ट्रैक ही ना तरफ तो चलो उन्हें पहले दर्शन भैरव बाबा की कहरे कहाँ जानो फिर देवी माँ के दर्शन बाद में जाला तो प्राकृतिक नज़ारा खूबसूरती कुछ ये प्रकार से चे और समय आपसे दिखाने वाले भैरव मंदिर तो सभी लोग चना चिंता हम भी धीरे धीरे पिछने पिछने जान रोला तो उन तरफ से आपक देवा देवी के मंदिर और इन बटे जो भक्तगण आना छिन तो वो आना छिन भैरव मंदिर दर्शन करने का तो इन तरफ जो भैरवनाथ जी मंदिर तो आप भी दर्शन के लिए आवा तो अब 2-3 घंटा वेट करने बाद आप मंदिर प्रांगण में पहुँच गए और लाइन में भी अब लग गयों